नमस्कार दोस्तों, मैं हिमांशु और स्वागत है आपका आज की टेक न्यूज में। आज हमारा दोस्तों टेक न्यूज का एपिसोड नंबर 8। तो वीडियो को लास्ट तक देखना, काफी कमाल की आपको आज टेक न्यूज देखने को मिलेंगी। अब यार ये न्यूज है वो नंबर्स में थोड़ी सी कम आपको देखने को मिलेंगी, लेकिन जो मिलेंगी वो आपको क्वालिटी वाली देखने को मिलेंगी। बिल्कुल सटीक जानकारी यहां पर मैं आपको देने वाला हूं। तो वीडियो को लाइक जरूर करना, शेयर करना ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ, क्योंकि भैया हमारे मोदी जी ने भी कहा है कि यार सबका साथ सबका विकास। तो आपको भी दोस्तों इस काम में थोड़ा सा योगदान देना पड़ेगा वीडियो को शेयर कर, तभी यार हमारा विकास भी हो पाएगा और आपका विकास भी हो पाएगा। तो वीडियो को लाइक जरूर करना। आज का लाइक का टारगेट रखते हैं हम ओनली 50 लाइक्स का, तो बिल्कुल कम टारगेट रखा है यार आपके लिए। तो जो भी देख रहा है यार वीडियो को लाइक जरूर करना। तो करते हैं हमारी स्टार्ट आज की न्यूज। तो आज की दोस्तों पहली अपडेट है यार वीवो की तरफ से, और वीवो का V17 फाइनली यार इंडिया में लॉन्च हो चुका है। अब यार कई दिनों से इस फोन की वेट हो रही थी, क्योंकि चाइना में पहले ही आ चुका था और मुझे पता था कि जो इसकी प्राइसिंग होगी वो बिल्कुल ही ओवर प्राइस या रहने वाला है, क्योंकि ऑफलाइन सेंटर के स्मार्टफोन है और बिल्कुल आशा के अनुरूप इसने काम किया और बिल्कुल धोखे दिया है हम सबको। जो इस फोन की प्राइसिंग है वो आपको 22,990 रुपए देखने को मिलती है 8GB और 128GB वाले वेरियंट की। अब इसमें आपको देखने को मिलती है दोस्तों 6.4 इंच की OLED डिस्प्ले, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। साथ में आपको पंच होल देखने को मिलता है। 48 मेगापिक्सल का आपको प्राइमरी सेंसर देखने को मिलेगा, 32 मेगापिक्सल का आपको सेल्फी सेंसर। साथ में जो बड़ी बात है जिसके लिए हम इस फोन को लेंगे वो है स्नैपड्रैगन का 675, तो काफ़ी बढ़िया चिपसेट है 23,000 रुपये के हिसाब से। अगर आपको ऐसा लगता है तो बिल्कुल आप इस फोन को ले सकते हो, वरना मेरी रिकमेंडेशन आपको यही रहेगी कि इस प्राइस सेगमेंट में आप दूसरा कोई फोन ले सकते हो, लेकिन ऑफलाइन सेंटर के इसलिए इसकी प्राइस ज़्यादा है। तो अगली अपडेट भी है दोस्तों वीवो की तरफ से। तो वीवो ने आज दोस्तों हमारी टेक न्यूज में पहला नंबर हासिल कर लिया है, पहली दो अपडेट वीवो की है। तो वीवो का X30, अब इसके बारे में मैंने आपको अपनी पुरानी टेक न्यूज में बता रखा था कि यार ये फोन आने वाला है, काफी अच्छे स्पेक होंगे और फ्लैगशिप स्मार्टफोन होगा। तो बेसिकली वही यहां पर इसकी कुछ पिक्चर लीक होकर आई है, आप देख सकते हो। साथ में दोस्तों मैं आपको स्पेक इसी वीडियो में बता दूंगा कि स्पेक जो इसके होने वाले हैं वो काफी अच्छे होंगे, लेकिन जो खास चीज इसकी हाइलाइटिंग फीचर है वो रहेगा एक्सोनस का 980। इस चिपसेट के साथ आपको देखने को मिलेगा 5G फोन होगा और ये सैमसंग का चिपसेट है फ्लैगशिप, जो कि सैमसंग की S सीरीज या नोट सीरीज में आने से पहले वीवो के फोन में आपको देखने को मिल रहा है। तो ये बहुत ही बड़ी बात है और ये कुछ असंभव सी चीज आपको देखने को मिली है। तो आप वेट कर लेना इस फोन का, लेकिन इंडिया में मुझे लगता नहीं है कि इंडिया में ये फोन आएगा, लेकिन फिर भी चाइना में तो आएगा भैया, और देख लेंगे क्या इसकी प्राइसिंग रहेगी। तो प्राइसिंग आएगी जब मैं आपको इसके बारे में अपडेट कर दूंगा। तो अगली अपडेट है दोस्तों जियो की तरफ से, और जियो में दोस्तों और बाकी अदर जो टेलीकॉम कंपनियों में भैया महायुद्ध सा बिल्कुल छिड़ा पड़ा है। यहाँ पर मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि वोडाफोन और एयरटेल ने दोस्तों अपने प्लान में अनलिमिटेड कॉल इंक्लूड कर दिए हैं मिनट की जगह। तो यहाँ पर भी दोस्तों जियो ने बिल्कुल वही कदम उठा लिया है और यहाँ पर भी आपको अनलिमिटेड कॉल्स के ऑप्शन मिल जाएंगे, आप इनके पैक्स को जाकर देख सकते हो। साथ में दोस्तों इन्होंने दो नए प्लान अपने लॉन्च किए हैं, एक है 149 रुपीज़ का और एक है 98 रुपीज़ का। मैं आपको थोड़ा सा इसको ब्रीफ में बता दूं, 149 रुपीज़ में दोस्तों आपको 24 डेज के लिए डेली 1GB डाटा देखने को मिल जाएगा, नेट देखने को मिल जाएगा 4G, और साथ में आपको 300 मिनट भी देखने को मिल जाएंगे। तो मेरे हिसाब से अच्छा दोस्तों ये पैक है। साथ में आप 50 रुपीज का वाउचर भी इस पे आप लगा सकते हो, तो 100 रुपए में आपका 24 डेज की वैलिडिटी देखने को मिल जाएगी, तो मेरे हिसाब से डिसेंट है। बाकी जो दूसरा है दोस्तों 98 रुपीज का, तो वहां पर आपको नेट डेली देखने को नहीं मिलेगा, एक बार आपको 2GB पकड़ा दिया जाएगा, चाहे आप उसको एक बार में उड़ाओ चाहे आप उसको धीरे धीरे उड़ाओ, तो ये आपकी टेंशन है। बाकी अगर कॉल की बात करूं तो कॉल आपको वहां पर देखने को मिलेगी और कॉल आपको जियो टू जियो फ्री देखने को मिल रही है, बाकी आपको IUC वाला जो टॉपअप है वो कराना पड़ेगा, ये बेकार है। 149 वाला बढ़िया है, तो उसको आप एक बार देख सकते हो अगर आपको रिचार्ज कराना है तो। इसके अलावा दोस्तों बड़ी अपडेट यहाँ पर आ चुकी है फ्लिपकार्ट की ओर से। तो फ्लिपकार्ट कई मामलों में अपने हाथ आजमा चुका है, जोर आजमाइस करता रहता है, कभी वो ट्राईपोड निकालता है, कभी वो टीवी के साथ पार्टनरशिप करता है। तो यार यहाँ पर दोस्तों इनके लैपटॉप भी आपको देखने को मिलेंगे। अब फ्लिपकार्ट की ब्रांडिंग नहीं होगी, मार्क्यू जो कि दोस्तों फ्लिपकार्ट की एक खुद का ब्रांड है, तो उसकी तरफ से आपको लैपटॉप देखने को मिलेंगे। और कहा जा रहा है कि दोस्तों i5 और i7 के साथ ये दो लैपटॉप लेकर आएंगे काफ़ी जल्दी, और जो इनकी प्राइसिंग होगी ना वो प्राइसिंग मार्केट के हिसाब से काफ़ी ज़्यादा कम प्राइसिंग में देंगे जो बाकी कंपनियां आपको दे रही हैं। तो ये एक अच्छा एक मूव हो सकता है फ्लिपकार्ट का, बट देखने वाली बात होगी कि कब तक आते हैं और क्या इसके और भी स्पेक देखने को मिलेंगे। i5 i7 है तो अच्छी बात है, लेकिन प्राइसिंग भी यार कंट्रोल करने की बड़ी बात होगी, देखते हैं यार किस तरह से ये एडजस्ट कर पाते हैं। तो इनके लिए वेट करेंगे, मैं आपको अपडेट कर दूंगा। तो अगली अपडेट है दोस्तों रेडमी की तरफ से, रेडमी का K30।
अब एक काफी अच्छा फोन होगा और इसके दो वेरिएंट में आपको बता दूं पहले ही कि दो वेरिएंट लॉन्च होंगे। एक होगा 5G वेरिएंट जो आपको इंडिया में देखने को नहीं मिलेगा, इंडिया में आपको ओनली 4G वेरिएंट ही देखने को मिलेगा। 5G वेरिएंट में 765G देखने को मिलेगा और 4G वेरिएंट में आपको 730G देखने को मिलेगा। अब यहाँ पर इसके एंटूटू बेंचमार्क हैं वो आ चुके हैं और इसने दोस्तों हासिल किए हैं 3 लाख से ऊपर के एंटूटू बेंचमार्क। तो ये काफी डिसेंट सा फोन है और बीट कर दिया XT730G को, उससे ज्यादा ही आपको बेंचमार्क यहाँ पर देखने को मिले। तो हम वेट करेंगे इस फोन का यार कि क्या रहता है इस फोन में और इंडिया में किस प्राइसिंग में आपको देखने को मिलेगा और साथ में कब तक आएगा। उम्मीद है कि जल्दी आएगा क्योंकि जो अगली अपडेट है वो भी इसी का रिगार्डिंग है। तो अगली अपडेट में दोस्तों Redmi K30 है, उसका 4G वाला वेरिएंट है, उसका BIS सर्टिफिकेशन हो चुका है इंडिया में। तो इंडिया में इसका मतलब है कि आने वाले 1-1.5 महीनों में आपको देखने को मिलेगा, जनवरी के लास्ट तक बिल्कुल दोस्तों सटीक खबर है कि आपको देखने को मिल जाएगा। तो बिल्कुल आप इसका वेट कर सकते हो, काफी अच्छा फोन होगा और एग्रेसिव प्राइसिंग में भी ये फोन लॉन्च होगा। तो यार ये थी आज की अपडेट, आज आपको ज्यादा अपडेट तो देखने को नहीं मिली है लेकिन मैंने आपको जो इंपॉर्टेंट अपडेट थी वो बता दी है। फिर भी कोई अपडेट मिस हो गई होगी तो भैया मैं कल उसको कवर कर लूंगा और बिल्कुल अच्छी तरीके से आपको एक्सप्लेन भी कर दूंगा। तो वीडियो को लाइक जरूर कर दी होगी आपने, मुझे पता है। तो इस वीडियो में इतना ही, वीडियो आपसे फिल्म